हम जब वोट दे रहे थे तो हम भगवान का नाम याद कर रहे थे। हाँ, और इसीलिए सीधा सीधा कि अच्छे सरकार के लिए सभी लोग मतदान करें, ताकि राज्य का जो विकास की गति है वो और आगे बढ़ सके। जी, अच्छी सरकार मतलब क्या? अभी इस वक्त बहुत सारी बातें हो रही है, भगवाधारी, बलात्कारी, बहुत सारी बातें हो रही है। कौन सी सरकार, किसकी सरकार? देखिए, 2014 से अब तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, राज्य सरकार बना, इन 5 सालों में जनता ने, सरकार ने काम किया है जनता के हित में। और जनता जान रही है कि हमारे लिए कौन कौन सी काम हुई है। आप सीधे सीधे यहाँ जो लंबा लाइन देख रहे हैं, वो मेरा लाइन नहीं है, वो विकास का लाइन है, क्योंकि उन लोगों को सरकार के माध्यम से लाभ मिला है। और इससे पहले इस तरह का विकास का काम या लाभ जनता ने नहीं देखा था। इसी को अच्छे सरकार बोलते हैं कि हमारा घर में छत हो गया, हमारा, हमें गैस मिला, हमें आवास मिला, हमें आयुष्मान भारत मिला, जरूरत पड़ने पर 108 की गाड़ी आ जाती है। इसको बोलते हैं अच्छी सरकार, जो सरकार ने एक एक जनता का सुख दुख का चिंता किया। हेमंत सोरेन आपको जबरदस्त मुकाबला दे रहे हैं गाँव से लेकर शहर तक। देखिए, हम तो यही बात बोल रहे हैं ना कि चुनाव तो चुनाव होता है, जंग तो जंग होता है, लेकिन जिस तरह से पिछले 35-40 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने दुमका को और संथाल परगना को एक तरह से खंडहर बना दिया, बंजर बना दिया, उस बंजर भूमि को हम लोग उपजाऊ बना रहे हैं, और ये हम ही लोग फसल काटेंगे। तो आप ही लोग तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में 2-3 चीज हम देख रहे हैं। प्रचार की अगर बात करें, कई मुद्दे उठे। अभी हाल के दिनों में हेमंत सोरेन का एक बयान काफी चर्चाओं में रहा, भगवादारियों पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, बीजेपी काफी आक्रामक रही, आपको क्या लगता है? दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने काफी गंभीर सवाल बीजेपी पर सवाल खड़े किए कि जैसे आप भ्रष्टाचार की बात करें, रोटी कपड़ा मकान की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो बीजेपी इसका सीधा जवाब होता है, कांग्रेस से पूछिए। तो काफी तीखे हमले न सिर्फ आपके तरफ से हुए हैं, उनके तरफ से भी है। प्रधानमंत्री जी ने भी काफी गंभीर सवाल कांग्रेस और जेएमएम पर उठाए थे। देखिए, दो विषय आपने दो विषय सवाल किया हमसे। एक तो है कि हम अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं जो हेमंत सोरेन का बयान, और हम इतना ही कह सकते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी या एक अच्छा इंसान या एक विवेकशील इंसान ऐसा बोल नहीं सकता है, ऐसा सोच नहीं सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि उनका क्या सोच है, आम पब्लिक के प्रति वो क्या सोचते हैं। वो सर्वोपरि अपने आप को ही मानते हैं, जनता को कुछ नहीं मानते हैं, और एक पूरे समाज को उन्होंने गाली दिया है जो कभी माफी योग्य नहीं है। लेकिन इस बीच आपके बीजेपी पर भी काफी तीखे हमले हुए हैं कांग्रेस के तरफ से, जेएमएम के तरफ से। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप लोग जो है आदिवासियों की जमीन, उनकी अस्मिता को छीनने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, आदिवासी बोलेंगे ना, कौन आदिवासी का जमीन छीना गया कि वो तो देखिए, बोलने और प्रमाण करने में दोनों हम उस पर भरोसा करते हैं। अगर आप बोलते हो तो आपको, आपके पास प्रमाण होना चाहिए। सरकार ने आज तक 1 इंच जमीन किसी का नहीं छीना है। अगर किसी का छीना है तो वो हेमंत सोरेन ने आदिवासियों का जमीन छीना है, जो आपको पता है कि जगह जगह पर कितना उनका आदिवासी जमीन पर उन्होंने आलिशान मकान या क्या 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 खड़ा कर दिया है। सरकार जो भी किया है सिर्फ विकास के लिए किया है, कहीं रोड बना है तो कहीं मेडिकल कॉलेज बना है तो कहीं स्कूल बना है, कहीं जो भी है सरकारी संस्थान के लिए, उसको छीनना नहीं बोलेंगे। 4 गुना राशि दे के वो उनको अपने पैर पर खड़े होने का भी एक गुण सिखा रहे हैं कि समय बदल गया है, कि व्यापार के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हो और उसके लिए पैसा की आवश्यकता है। अगर आप रोड के लिए जमीन दे रहे हो तो सरकार आपको 4 गुना पैसा देती है। बीजेपी के कैंपेन का आरोप लगाया है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक शब्दों का, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि नहीं कि राजनीति में कम से कम लाज लज्जा का जो है, लोक लज्जा अगर आप नहीं रखें तो कैसे हो? देखिए, हमने इसीलिए कहा, हमने जो सुना, हमने जो देखा है कि भगवाधारी या फिर एक समाज को लेकर जो टिप्पणी हुआ है,
बलात्कार शब्द का जो टिप्पणी हुआ है, ये इसके विषय में हम नहीं कुछ मैंने ज्यादा अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं। हम खुद अपने आप में शर्मिंदगी है कि एक मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी इस तरह से कैसे बोल सकता है जो क्षमा योग्य नहीं है। सवाल मेरा ये था आपसे, थी लुईस मरांडी जो लगातार बात कर रही थी और उन्होंने अपनी बातों को रखा है, सारी बातों को रखा गया है और जो विकास हो रहे हैं विकास के कार्य को भी गंगेश जी उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ है ये विकास की भीड़ आई है और जो प्रकरण पिछले 24 घंटे के अंदर से जो बातें हो रही थी उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं फिर से जो कतार है वो देखने लायक इस वक्त कतार और एक मेला जैसा माहौल इस बूथ पर जब बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं मतदान के लिए। और अभी तक तस्वीरें देखेंगे एक बहुत सकारात्मक, हम कह सकते हैं कि बहुत सकारात्मक तरीके से लुईस मरांडी ने बात की, उन्होंने अपनी पार्टी की बातों को भी रखा और ज्यादातर विकास और दूसरी चीजों के बारे में बात की।